रहा हूँ, वहां देख लो, यहाँ पर हमारे पास मिलता है कॉन्फ़िगरेशन, दिख रहा होगा यहाँ पर F12 शॉर्टकट की होती है, जब हम कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन को सेट कैसे करते हैं। कंपनी फीचर्स तो आपको सेट करा बता दिया है कि कंपनी फीचर्स के अंदर आप क्लिक करते हैं F11 से, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ देखो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और सेटमेंट एक्शन आता है, ठीक है। लेकिन हमें आज क्या करना है, हमें यहाँ पर ये फीचर ही हैंडल करना है क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें बता रखी हैं। हमें कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होती है, कुछ शॉर्टकट कीज हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे जनरल में जैसे क्लिक करोगे तो जनरल सेटिंग्स होती है। जनरल सेटिंग्स के अंदर देख लो बहुत सारे लिस्ट में शो आउट हो रहा होगा। जब कहीं पे वर्क करने जाते हो तो ये सब सेटिंग्स आपको आनी चाहिए कि थोड़ा सा अगर माइनर सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं वो सार्क के अकॉर्डिंग होता है। सार्क के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं वो ध्यान रखना, सार्क के अंदर आती हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कितने सारे हैं, ये सार्क के मेंबर्स हैं। सार्क एक क्या है, कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर ये 6 कंट्रीज आती हैं, दिख रहा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है, मोस्टली यही आते हैं। तो ये सार्क के अंदर यूज होता है, इस टेलीकॉम हम लोग यूज करते हैं और उन्हीं की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो सार्क में यूज होता है। दूसरा होता है, देखो यहीं पे ऑप्शन आएगा इंटरनेशनल, अगर आप चाहते हो इंडिया की नहीं इंटरनेशनल करना चाहते हो तो यहाँ से आप इंटरनेशनल कर, तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी यूज हो जाएगी। यहाँ से हम चेंज करते हैं इंडिया का या इंटरनेशनल, तो हमने क्या करना है, इंडिया में यूज कर रहे हैं इसलिए इंडिया का अप्लाई कर लेते हैं। फिर देखो बाय डिफॉल्ट लिखा रहा है, डिफॉल्ट अपीयरेंस ऑफ द नेम इन रिपोर्ट। तो देखा होगा जब भी हम कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं या रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पर सबका नाम शो हो रहा है, लेजर का नाम अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। एलाइज का नाम शो नहीं हो रहा होता है, क्या लिखा होता है, सिर्फ नेम लिखा होता है। अगर आप यहाँ से नेम एंड एलाइज दोनों कर दो तो उर्फ जब लिखते हो ना तो वो दोनों ही शो होगा, एलाइज भी शो होगा और नेम भी शो होगा, दोनों शो होगा, ठीक है। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ देखो लिखा है डिफॉल्ट अपीयरेंस ऑफ स्टॉक इट्स नेम इन रिपोर्ट। अब बोल रहा है कि स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में भी क्या चाहिए, नाम चाहिए या फिर आइटम का नंबर चाहिए, पार्ट नंबर चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं जिसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। मान लो कि कोई पार्ट सेल करते हो कार का, तो हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर चूज कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं पार्ट नंबर एलाइज ओनली, या पार्ट नंबर भी चाहिए और आइटम का नेम भी चाहिए, तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन हम चूज कर लेते हैं, जो भी चाहिए वो हम सेट कर लेते हैं। तो अगर कोई सेटिंग करने के लिए कहे तो हम यहाँ से कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फॉर्मेट ऑफ डेट्स। डेट्स देखो 3 तरह के आपको दिख रहे होंगे, तो इसको सेटिंग कैसे करेंगे, तो DDMMYY, जो DDMMYY होता है वो इंडिया में नॉर्मली यूज करते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मंथ पहले होता है, फिर डे होता है, फिर ईयर होता है, क्या होता है, MMDDYY। जब एक्सेल जब आप पढ़ रहे होगे ना तो वहां भी देखा होगा, पहले मंथ डालते थे, फिर डेज डालते थे और फिर ईयर डालते थे। तो अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है तो आप इसको ये चूज कर लो। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा रहा है, 1/4/2021 लिखा रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ चूज कर दूँ MMDDYY तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, और अगर मैं चाहता हूँ नहीं ईयर पहले इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ तो थर्ड होता है ईयर वाला, क्या होगा, ईयर शो करेगा, फिर मंथ और फिर डेट। तो आप ये फॉर्मेट भी ले सकते हो, यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब सेपरेटर क्या शो आउट हो, यानी डेज, मंथ और ईयर के बीच में सेपरेटर क्या यूज हो, तो डैश यूज करना चाहो डैश यूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो स्लैश यूज करना चाहते हो स्लैश यूज कर सकते हो। तो जो भी आप सेपरेटर यूज करना चाहते हो वो लगा सकते हो यहाँ पर और एंटर कर देना, तो सेपरेटर हम स्लैश का यूज करेंगे। फिर पूछ रहे कैरेक्टर ऑफ यूज फॉर डेसिमल, तो कैरेक्टर जो यूज करोगे डेसिमल के लिए क्या होगा, डॉट यूज करते हैं कुछ लोग, डैश यूज करते हैं, नॉर्मली हम इंडिया में डॉट ही यूज करते हैं, कुछ और भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब देखा होगा जब 1000 सेपरेटर्स लगाते हो ना कि 1000 के बाद कॉमा लगता है, तो आप कॉमा नहीं चाहते तो कॉमा हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कॉमा लगा हुआ है, दिख रहे हैं यहाँ पर कॉमा का सिंबल नजर आ रहा है, दिख रहा है दिव्य सृष्टि। हाँ सर दिख रहा है। नेक्स्ट देखो लिखा रहा होगा एड साइन बिफोर करेंसी यूनिट सिंबल्स। तो होता है क्या कि जब अमेरिकन सिंबल्स को यूज कर रहे होते हैं तो डॉलर का सिंबल लगा होता है पहले, हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर चाहते हो सिंबल तो आप यस कर दोगे, तो वाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंबल शो आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियन। मिलियंस कब शो होता है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन, तो मिलियंस इंटरनेशनल यूनिट होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन,
ठीक है ना, ये क्या होता है 330 पे चलते हैं, वहां पर क्या होता है 1000 होता है, 1000 के बाद फिर 30 लगाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास मिलियन, फिर 30 लगा दो उसके आगे तो क्या हो जाएगा बिलियन, फिर एक और 30 लगा दो उसके आगे तो ट्रिलियन हो जाएगा, यानी 330 के सेट चलते हैं वहां पर, ठीक है। फिर नीचे देखो लिखा रहा है नेक्स्ट टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा वाउचर होता है उसमें क्या शो आउट करे, तो यहाँ पे लिखा है आइटम का नाम शो करना है नहीं करना है, क्वांटिटी शो करना है कि नहीं करना है, तो वो मुझे सारी चीजें शो करवानी है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आप यहाँ से यस करते हो। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि आइटम जो आप देखा होगा जब हम सेल परचेस कर रहे होते हैं तो आइटम्स शो आउट हो या ना हो, सारे कॉलम्स शो हो आइटम से कि ना हो, उसको भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है नेक्स्ट टेबल विथ मास्टर ओनली करंट लैंग्वेज। अब लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है, देखो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होता है, तो उसी में अप्लाई करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम यूज नहीं करते इंडिया के अंदर। अगर आप हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हो, उर्दू में करना चाहो तो उर्दू में कर सकते हो, तो वो फॉन्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब डेटा को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, तो डेटा को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि देखा होगा आपको पढ़ाया होगा बैकअप एंड रीस्टोर, पढ़ाया बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप का यूज ये होता है कि अगर आप टैली का जो भी कंटेंट आपने बनाया है, कंपनी के जितने भी डेटाज हैं, उसको आप अदर ड्राइव में स्टोर करना चाहते हो, तो उसका एक बैकअप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैकअप, मतलब जो भी आपकी कंपनी का डेटा है उसकी एक कॉपी कहाँ करने जा रहे हो स्टोर, बैकअप के फॉर्म में, पेन ड्राइव में भी कर सकते हो, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हो, या किसी अदर लोकेशन पे भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है इग्नोर करना है, मैंने कहा नहीं इग्नोर नहीं करना। दूसरा क्या होता है ओवरराइड, डुप्लीकेट को अप्लाई करना है तो नो, डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं अलाउ करनी है, ठीक है। जो बेस करेंसी होता है हमारे पास वो शो आउट हो रुपीज के फॉर्म में, तो मैंने कहा कि नहीं वो भी शो नहीं करने की जरूरत है। ओपन फाइल अल्टर एक्सपोर्ट, तो देखा होगा कि जब हम ओपन फाइल होता है उसमें अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट के फॉर्म में, तो वो भी फीचर हम यहाँ से यस कर देते हैं। अब यहाँ पे अदर ऑप्शंस क्या है, देखा होगा वहां पे जो रिपोर्ट शो हो रहा होता है ग्राफिकली शो हो रहा होता है, ग्राफ मंथली शो हो रहा होता है, जब कोई भी सेल और परचेस करते हो तो देखा होगा ग्राफ शो होने लग जाता है, ब्लॉक्स ऊपर नीचे आने लग जाते हैं कि कितना सेल किया कितना परचेस किया। अगर वो मंथली रिपोर्ट नहीं चाहते तो यहाँ से हम नो कर देंगे। फिर यू सेपरेट मेन्यू फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट, इसका काम क्या है कि जितने भी आप अकाउंट स्टेटमेंट यूज करते हो उसमें सेपरेट मेन्यू चाहिए, अलग से खुले मेन्यू, तो अगर चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो। अगर चाहते हो जैसे कि टैली में देखा होगा जो भी एंट्री करते हो साउंड शो आउट हो, बीप मारता है, बीप बीप करता है ना जब एंट्री करते हैं, तो कोई भी टोन आता है तो वो टोन अपियर हो या ना हो अलर्ट के फॉर्म में, तो आप यस और नो कर सकते हो। देखो कभी नेगेटिव बैलेंस डाल देते हो, नेगेटिव बैलेंस जो होता है तो बीप करता है, तो वो चाहिए नहीं चाहिए वो चूज कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पर लिखा है कि इन्फॉर्मेशन पैनल आपको हमेशा शो आउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन पैनल हमें नहीं चाहिए इसलिए नो कर रखा है। ये है सारे फीचर्स किसके हैं, ये सारे फीचर्स किसकी चीज के हैं, ये सारे फीचर्स हैं इसके जनरल फीचर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जनरल फीचर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सिंबल्स चेंज करना, तो देखो यहाँ पर न्यूमेरिक सिंबल्स आ रहे होंगे, तो दूसरा प्रॉपर्टी होता है न्यूमेरिक सिंबल्स का, जब इसको एंटर करोगे तो यहाँ देखो सिंबल बिफोर नंबर क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है पता ही है, प्लस ही होता है इसका नंबर, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ब्लैंक के आगे कोई सिंबल नहीं होता, तो ये सिंबल जो है बाय डिफॉल्ट शो हो रहा होता है, हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अब नीचे देखो एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपके पास कि जब नेगेटिव नंबर हो तो क्या शो करे, माइनस का सिंबल शो करे, देखा होगा जब भी हमारे पास माइनस में वैल्यू हो जाती है तो माइनस का सिंबल शो करे, तो वो शो कर देगा। अब यहाँ देखो एक चीज, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर सिंबल्स के पहले प्रीफिक्स कुछ लगाना है, अगर खाली हो तो कह नो, और आपको पता ही कि जब डेबिट अमाउंट होता है तो क्या लिखा रहता है डीआर लिखा होता है, और अगर क्रेडिट अमाउंट होता है तो क्या लिखा होता है सीआर लिखा होगा, डेबिटर और क्रेडिटर लिखा आता नहीं लिखा आता है पहले से, जब अमाउंट डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो तो अमाउंट के आगे डीआर और सीआर लिखा आता है, यस और नो, यस सर, हाँ वो आता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो चीज मेंशन कर रखी है इसलिए यहाँ से शो आउट होता है, ठीक है। इतनी चीजें हैं, और फिर हमारे पास याद है कंपनी के कुछ फीचर हैं जो कि हम अकाउंट से रिलेवेंट चीजों को करते हैं एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। अब यहाँ पे देखो जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, अगर आपका बॉस कहता है या कंपनी में कहते हैं कि कौन कौन से फीचर एक्टिवेट करने हैं,
तो ये सबके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे एक आ रहा है बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल। अगर यहाँ से अगर बिल ऑफ मटेरियल को यूज नहीं करोगे, यस नहीं करोगे, तो बिल ऑफ मटेरियल वहां पर शो आउट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ से यस कर दिया है और एक्सेप्ट करवा दिया है, तो अब जब मैं वाउचर बनाऊंगा यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ पर हमें बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखता हूँ बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल बॉम, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे सेल, ठीक। और यहाँ पर इन्वेंटरी को अप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिल ऑफ मटेरियल शो आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे दिख रहा है, यहाँ पर इनेबल अकाउंट फीचर्स को हम यहाँ से यस कर दो। तो फिलहाल जब मैं पढ़ाऊंगा बिल ऑफ मटेरियल, पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है, बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब पढ़ा है नहीं पढ़ा है,